हेलो फ्रेंड्स, तो ये जो वीडियो है ये है विच क्रिस्टल शुड आई वियर, मुझे कौन सा क्रिस्टल सूट करता है, मुझे कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए। तो ये क्वेरी मैं आपकी सॉल्व करूँगी। कुछ लोग बिगिनर्स होते हैं क्रिस्टल्स के लिए और उनको क्रिस्टल्स जो हैं बहुत फैसिनेट करते हैं, तो पर उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा क्रिस्टल मुझे पहनना चाहिए। तो हम सबसे आसान और इजीली अवेलेबल क्रिस्टल की बात करेंगे और एक कॉमन क्रिस्टल की बात करेंगे कि क्रिस्टल पहनना चाहिए और कैन क्रिस्टल्स कॉज एनी हार्म टू मी। तो क्रिस्टल्स कोई हार्म कॉज नहीं करते जैसे कि रतन वगैरह कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं संगीता गुप्ता, रेकी ग्रैंड मास्टर, क्रिस्टल हीलर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो कार्ड रीडर, आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे संगीता हीलिंग टेम्पल्स पे। और मोर देन 35 ईयर्स से मैं जो हूँ आपको रेकी और ये सारी मोडालिटीज सिखा रही हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आपकी जो क्वेरी है वो सॉल्व होगी कि कौन सा क्रिस्टल मुझे सूट करता है, मुझे कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए। तो दोस्तों, मैं एक कहानी से, अपनी लाइफ की कहानी से आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में आज से 30 साल पहले पहला एक क्रिस्टल आया था और आप गेस कर सकते हो वो कौन सा था। क्लियर क्वार्ट्ज। उस समय क्रिस्टल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लोग जानते नहीं थे क्रिस्टल क्या है। तो मैं एक वर्कशॉप अटेंड कर रही थी स्पिरिचुअल, उसमें मेरी एक साथ में को पार्टिसिपेंट थी, उसने मुझे इस तरह का पेंसिल शेप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल दिया था, उसका एक पेंडेंट दिया था जो हमने पहना था। उस समय क्रिस्टल से काम कैसे करते हैं ये सब नहीं पता था, तो वो मेरा क्रिस्टल थोड़े दिनों बाद गुम हो गया था। तो पर दोबारा मेरे को मौका मिला कि क्लियर क्वार्ट्ज मेरी लाइफ में फिर से आया। तो सबसे अच्छा क्रिस्टल जो काम करता है, जो सबके लिए कॉमन है, वो है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो आप ये देख सकते हो ये क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है। तो क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है और बहुत महंगा भी नहीं है, बिटवीन 300 to 500 के बीच में ये मिलता है। और आपने देखा होगा ऋषिकेश वगैरह में, हरिद्वार में, इस तरह के जगहों पे ये क्लियर क्वार्ट्ज मिल जाता है। तो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल सबको सूट करता है। क्लियर क्वार्ट्ज की जो खासियत है, मास्टर क्रिस्टल के रूप में इसे कहा जाता है। ये मास्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे क्राउन चक्रा पे काम करता है। तो हमारा क्राउन चक्रा जो है वो सारे चक्रास को एनर्जाइज करता है क्योंकि यहाँ से हम डिवाइन लाइट को रिसीव करते हैं और डिवाइन लाइट हमारी पूरी बॉडी में, प्राण शक्ति ऊर्जा हमारी पूरी बॉडी में जाती है और वो दिव्य ऊर्जा हर बॉडी पार्ट को एनर्जाइज करती है। तो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है, क्योंकि ये क्लियर है, इसको किसी भी मंशा के लिए आप प्रोग्राम कर सकते हो। तो जो इसके लिए कई बार हम पेंसिल्स भी यूज़ करते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज इसके अंदर जो इनकल्शंस होते हैं, तो ये जो आप देख रहे हो हल्का सा क्लाउडी सा, इसको इनकल्शंस कहते हैं। तो एकदम से प्योर क्लियर क्वार्ट्ज पेंसिल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो क्लियर क्वार्ट्ज पेंसिल्स आप यूज़ कर सकते हो अपने चक्रा को क्लीन करने के लिए। ये भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती हैं। तो लोग जो हैं बहुत सारी क्रिस्टल्स के बारे में बताते हैं, मैं भी बताने जा रही हूँ, बट क्लियर क्वार्ट्ज इज़ वेरी ईजी टू यूज़ एंड इसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो आप अपने हर चक्रा को क्लीन कर सकते हो एंटी क्लॉकवाइज घुमा के। ये अगर हम देखें तो ये क्लॉकवाइज है ये, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज अगर आप घुमाते हो 11 बार तो एंटी क्लॉकवाइज आप अपने चक्रा को नेगेटिविटी निकाल रहे हो। आपने एंटी क्लॉकवाइज लगभग 11 बार लगभग हो सकता है निकाला और एनर्जी को बाहर शेक ऑफ करके फेंक दिया। आपने शेक ऑफ करा और बाहर फेंक दिया, फिर आपने एंटी क्लॉक वाइज घुमाया अपने थर्ड आई चक्रा पे और उसको बाहर फेंक दिया। एंटी क्लॉक वाइज 11 to 21 टाइम्स आपने निकाल के बाहर फेंक रहे हो। ऐसे आपने थ्रोट चक्रा पे किया, ऐसे आपने हार्ट चक्रा पे किया। तो पेंसिल ज़रूर होनी चाहिए जो आप अपने चक्रास को क्लीन कर सकते हो क्लियर क्वार्ट्ज के साथ। क्लियर क्वार्ट्ज का जो ब्रेसलेट है वो भी आप इसको किसी भी चीज़ के लिए प्रोग्राम कर सकते हो। आफ्टर ऑब्वियसली इसको आपने नमक के पानी से क्लीन करना है, मेरे और वीडियोस में मैंने आपको बता रखा है, उसको क्लीन करना है और फिर आप इसे पहन सकते हैं। और इसको आप जिस भी चीज़ के लिए प्रोग्राम करना चाहते हैं, हर चक्रा पे ये काम करता है। तो हर चक्रा को किसी एक खास पर्टिकुलर चक्रा के लिए प्रोग्राम करना है तो वो भी आप कर सकते हो। मनी के लिए भी कर सकते हो, रिलेशनशिप के लिए भी कर सकते हो, अबंडेंस के लिए भी कर सकते हो, सेक्रल चक्रा के लिए भी कर सकते हो, रूट चक्रा के लिए भी कर सकते हो। तो क्लियर क्वार्ट्ज हर चक्रा पे काम करेगा।
दूसरा एक जो अच्छा क्रिस्टल जो जिन्हें मैं मानती हूँ वो है सेवन चक्रा ब्रेसलेट। तो आप ये देख सकते हो सेवन चक्रा ब्रेसलेट है जिसमें सेवन कलर्स दे रखे हैं। तो ये सेवन चक्रा ब्रेसलेट हर व्यक्ति को सूट करता है क्योंकि इनकी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग नहीं होती। ये आपको ज़रूर पहनना चाहिए, हर हीलर को हर व्यक्ति को सेवन चक्रा ब्रेसलेट और क्लियर क्वार्ट्ज ज़रूर पहनना चाहिए। ये दोनों जो है क्रिस्टल्स आपको हेल्प करेंगे, ये आपके सेवन चक्रास को एक्टिवेट करेगा। क्लियर क्वार्ट्ज आप एक किसी पर्टिकुलर इशू पे काम कर सकते हैं, ईजी होता है मिलने में, बहुत हर जगह मिल जाता है, हर लोकल शॉप से मिल जाता है। और बस ये ध्यान रखें, वैसे तो जनरली ये बहुत महंगा नहीं होता और असली ही होता है, बट फिर भी चेकआउट कर लें, उसको हाथ में रख के उसकी एनर्जी को चेक करें। अगर आपको लगता है उसमें एनर्जी जा रही है तो वो रियल है, अगर एनर्जी नहीं जा रही तो कई बार वो प्लास्टिक या शीशे का भी हो सकता है। प्लास्टिक का तो नहीं, बट कई बार लोग शीशे का दे देते हैं तो वो काम नहीं करेगा, बट क्लियर क्वार्ट्ज जो ओरिजिनल है वो ज़रूर काम करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आपने शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई कमेंट है तो वो आप मेरे को नीचे लिखिए, बताइए। थैंक यू।